नमस्कार दोस्तों, इनवायरो एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमारे सिलेबस में बहुत सारे रूल्स एंड एक्ट दिए हुए हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है कि जितने भी रूल्स एंड एक्ट्स हैं वो किस ईयर में आए, ये आपको याद करना होता है। क्योंकि अगर आप PYQ देखेंगे तो एक क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से आता है कि ये एक्ट जो है कब आया। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इन इंडिया की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 48A एंड 51A जो है वो बात करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में आया, और उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट हुई 1991 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है ये आया आपका 1974 में, और इसमें अमेंडमेंट हुई 1988 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 में आया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट रिवाइज्ड ये हुआ था आपका 1982 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है ये 1981 में आया, और इसमें 1987 में अमेंडमेंट हुई। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जिसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं ये 1986 में जो है आया था। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में। द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन आया है इस पे। द मैन्युफैक्चर स्टोर एंड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल अमेंडमेंट रूल 2000 में आया। नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल ये भी 2000 में आया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ये 2002 में आया। द बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल ये भी 2010 में आया था आपका। द हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मोमेंट रूल ये 2016 में आया था। 2016 में बहुत सारे आपके जो हैं रूल्स आए थे। द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है, इसमें अब कितने अमेंडमेंट हो चुकी हैं आपको पता ही है, 2016 में आया। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ये भी 2016 में आया। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ये भी 2016 में आया। द कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल ये भी 2016 में आया। तो इतने सारे रूल्स एंड एक्ट जो हैं हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। एटलीस्ट सबसे पहले आपको जो है किस ईयर में ये आए थे ये याद होना चाहिए। जब आप ये याद कर लेंगे फिर उसके बाद में दूसरा मेन काम रहता है कि ये किस सेक्टर के लिए काम करते हैं, है ना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप जो है इनके डिटेल के बारे में देखेंगे। अगर बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर इम्पोर्टेंट रोल बताओ, तो अगर आप कोई मुझसे ये पूछते हैं कि कौन सा छोड़ दें तो ये एक बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। बट अगर हम ये कहें कि कौन सा इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसमें जैसे कि आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रोल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नॉइस पे जो आपकी परमिसिबल वैल्यू है उस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ई वेस्ट पे जो है एक आध क्वेश्चन आ जाता है। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप से आप जो है इन 3-4 एक्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। एंड बेसिक तो सभी का पढ़ेंगे कि भाई कौन सा रूल है, किस लिए आया, कब अमेंडमेंट हुई, और मेजर जो है उसका क्या काम है, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा सपोर्ट हमेशा आप लोगों के साथ में रहा है, रहेगा, ठीक है बच्चों। जियो बच्चों, टेक केयर।